सितंबर महीना मोबाइल गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया महीना है। इस महीने में बहुत सारे मोबाइल गेम्स रिलीज हो रहे हैं, इतने कि आप खेल ही नहीं पाओगे। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 10 बेस्ट एंड्रॉयड एंड आईओएस गेम्स ऑफ द मंथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पर उससे पहले गाइज, अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइज, नंबर 10 पे हम लोग ने रखा है हॉरर फॉरेस्ट 3। ये गेम एक ओपन वर्ल्ड MMQ जोम्बी शूटर गेम है, जिसमें आपको जोम्बिस और जोम्बिस जैसे एनिमल्स को ढूंढ के मारना है। इस गेम में स्टोरी मोड के साथ साथ मल्टीप्लेयर भी है, जिसमें आप 8 प्लेयर PvP या PvE मोड खेल सकते हो। मेरे हिसाब से इस गेम का कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन इसका प्लेयर मूवमेंट और कैरेक्टर कंट्रोल का इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और ये गेम सिर्फ एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है। तो गाइस, नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो है क्रैश मेटल। ये गेम एक ओपन वर्ल्ड कार रेसिंग गेम है, जो थोड़ा सा NFS मोस्ट वांटेड जैसा है। मतलब इसमें आपको एक ओपन वर्ल्ड सिटी मिलती है, जिसको आपको एक्सप्लोर करना है और अलग अलग रेसेस को ढूंढ के उसमें हिस्सा लेना है। इसमें स्ट्रीट रेसिंग, ड्रिफ्ट रेसिंग जैसे बहुत सारे रेस इवेंट्स होते हैं, और इसमें ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड भी है। इसके ग्राफिक्स बहुत ही कमाल है और इसके कंट्रोल्स एकदम सिंपल है, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो है सिविलाइजेशन 6। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। सिविलाइजेशन 6, जो अब तक का बेस्ट स्ट्रेटेजी गेम है, वो अभी एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये गेम सबसे पहले PC और कंसोल्स पे रिलीज़ हुआ था, और उसके बाद 2018 में iOS के लिए रिलीज़ हुआ, और अभी एंड्रॉयड पे भी आ गया। अगर आपको ऐसे ही स्ट्रेटेजी गेम पसंद है तो सिविलाइजेशन 6 आपके लिए एक मस्ट प्ले क्लासिक गेम है। इसमें आपका मेन गोल ये होता है कि आपको छोटी सी बस्ती को दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर बनाना। तो गाइस, नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो है पार्कर एक्सट्रीम। ये गेम एक नया पार्कर गेम है, जो रियलिस्टिक पार्कर का एक्सपीरियंस देता है। इसमें बहुत सारे चैलेंजिंग लेवल है, जिनमें आपको एक छत से दूसरे छत पे कूदना है, दीवारों और पाइप्स पे चढ़ना होगा, और किनारों पे चलने जैसे खतरनाक स्टंट्स करने होंगे। इसके ग्राफिक्स और गेम प्ले आपको मिरर एज गेम जैसे है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है और कंट्रोल्स भी ठीक ठाक है। फिलहाल ये गेम सिर्फ एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है। तो गाइस, नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो है ड्राइविंग स्कूल सिमुलेटर। ये गेम एक लेटेस्ट ड्राइवर सिमुलेटर गेम है, जिसमें आपको रियल कार ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। इस गेम में आप मार्केट के सभी लेटेस्ट कार को चला सकते हो। आपको इसमें तरह तरह के स्पोर्ट्स कार, सुपर कार और SUVs देखने को मिलती है, जिनको आप मैनुअल या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे चला सकते हो। और इसमें आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़े मैप्स मिलते हैं, जिसमें सिटीज, माउंटेन्स, डेजर्ट और स्नो रीजन जैसे अलग अलग लैंडस्केप्स है। इसको आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड में भी खेल सकते हो। ये गेम सिर्फ एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है। तो गाइस, 5th नंबर पे हम लोग ने रखा है मेडन NFL 21। ये गेम EA ने बनाया हुआ अमेरिकन फुटबॉल गेम है, जिसमें आपको आर्केड स्टाइल गेम प्ले देखने को मिलता है। इसका गेम प्ले बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसे उठा के खेल सकता है। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन खेलकर दूसरों से कॉम्पीट करना चाहते हो, और वो भी बिना किसी इन ऐप परचेस के, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। ग्राफिक्स के मामले में भी ये गेम काफी अच्छा है। ओवरऑल ये एक अच्छा गेम है, लेकिन इसके कंट्रोल्स उतने अच्छे नहीं है। तो गाइस, नेक्स्ट गेम की बात करें तो वो है टॉम क्लैंसीज इलाइट स्क्वाड। ये गेम एक फ्री टू प्ले एक्शन RPG गेम है, जिसमें आपको सभी टॉम क्लैंसी गेम्स के हीरोज और विलन्स एक ही गेम में देखने को मिलते हैं। इसमें आपको रेनबो सिक्स, घोस्ट रेकॉन, द डिविजन और स्प्लिंटर जैसे गेम्स के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। आप इन सभी में से अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की टीम बनाकर सिंगल प्लेयर स्टोरी मोड खेल सकते हो, या अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन PvP बैटल खेल सकते हो। तो गाइस, नंबर 3rd पे हम लोग ने रखा है टॉम एंड जेरी चेस। ये गेम एक 1v4 मल्टीप्लेयर गेम है, जिसे वार्नर ब्रदर्स ने ऑफिशियली लाइसेंस किया है। ग्राफिक्स की बात करें तो इस गेम में आपको टॉम एंड जेरी आर्ट स्टाइल देखने को मिलता है। गेम प्ले की बात करें तो इसमें एक प्लेयर टॉम कैट को कंट्रोल करता है और 4 प्लेयर माउस बनते हैं। इसमें 10 मिनट का मैच होता है एक घर में, जहां अलग अलग तरह से जाल बिछाए रहते हैं। मैच के दौरान टॉम को सभी चूहों को पकड़ना होता है, और चूहों का गोल होता है ज्यादा से ज्यादा टाइम तक टॉम से बचकर सरवाइव करना और पूरे घर का चीज कलेक्ट करना। तो गाइस, नंबर 2nd पे हम लोग ने रखा है द लास्ट कैंप फायर। ये गेम एक पजल एडवेंचर गेम है, जिसमें हमें अपने कैरेक्टर को उसका घर ढूंढने में उसकी मदद करनी है। अपना कैरेक्टर एक अजीब से घने जंगल में खोया हुआ रहता है, और उसको घर पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे पजल्स को सॉल्व करने, फाइनली उस लास्ट कैंप फायर को जलाना है। ओवरऑल इस गेम में अच्छे ग्राफिक्स के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंस भी मिलता है। ये गेम सिर्फ iOS के लिए अवेलेबल है। Travelers seem distressed. I'm sure it's fine. They'll be okay. But it's been a while. It's my...
तो गाइस फाइनली ऑन नंबर 1 हम लोग ने रखा है फाइनल फैंटेसी क्रिस्टल क्रॉनिकल्स। ये एक एक्शन आरपीजी गेम है और ये 2003 के गेम का एक रिमास्टर एडिशन है जो अभी एंड्रॉयड और iOS के लिए आया है। इसके फर्स्ट 13 लेवल्स फ्री टू प्ले है। इस रिमास्टर्ड एडिशन में आपको ऑनलाइन मल्टीप्लेयर फीचर मिलता है जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर लेवल्स को कंप्लीट कर सकते हो। और इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी आया है, मतलब आप पीसी और कंसोल प्लेयर के साथ भी खेल सकते हो। इतने सालों के बाद भी ये गेम खेलने के लिए बहुत ही मज़ेदार है। तो गाइज ये थे इस महीने के टॉप 10 बेस्ट मोबाइल गेम्स। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।